हेलो स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है हम इसके बारे इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट से जो फिनोमिनाज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें हम मेनली दो फिनोमेना होंगे जिनके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट है रिफ्लेक्शन और दूसरी है रिफ्रैक्शन तो दोनों में डिफरेंस होता है फर्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन वट इज़ लाइट लाइट होती क्या है द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट इसका मतलब क्या है कि लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है जैसे एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी होती है अलग अलग टाइप की एनर्जी होती हैं तो उन्हीं में से लाइट भी एक एनर्जी का टाइप होती है उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ लाइट लाइट की क्या क्या करैक्ट्रिस्टिक होती हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैरेक्ट्रिस्टिक है लाइट की जैसे कि फर्स्ट है लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ दिस इज़ नोन एज़ रेक्टीलिनियर प्रोप्रगेशन ऑफ लाइट इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी जैसे कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ से एमिट होगी तो वो हमेशा सीधी ही चलेगी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या ऐसे 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 मतलब वो हमेशा सीधी लाइन में ही चलेगी ऐसे नहीं है कि लाइट ऐसे चल रही है बीच में ऐसे मुड़गी ऐसे मुड़गी ऐसे लाइट ट्रैवल नहीं करेगी वो हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रैवल करेगी मुड़ेगी कब जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगी मान लेते आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया लाइट यहाँ से टकरा के उसके बाद ही बैंड होगी और जब तक चलेगी सीधी डायरेक्शन में ही चलेगी ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट उसके बाद है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव एंड डज़ नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है मान लेते हैं यहाँ से लाइट ये लाइट का सोर्स है यहाँ से लाइट निकल रही है और यहाँ तक लाइट को ट्रैवल करना है तो उनके बीच में जो ये स्पेस है ये अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है हवा भी नहीं है ये बिल्कुल वैक्यूम है तो भी लाइट इसके अंदर से ट्रेवल कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि लाइट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल उसके बाद है नेक्स्ट मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट स्टेट दैट लाइट इज नाइदर ए वेव नोर ए पार्टिकल बट इट हैज ड्यूअल नेचर इट इज एमिटेड और एब्जोर्ब बाई एन ऑब्जेक्ट एज ए पार्टिकल बट प्रोप्रगेट्स एज ए वेव देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या होती है क्वांटम फिजिक्स जहाँ हम लाइट की स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि कहीं लाइट है ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल है वो ड्यूल नेचर की तरह बिहेव करती है वो कभी लाइट कभी वेव की फॉर्म में वेव की तरह बिहेव करेगी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी इसके बारे में हम डिटेल में आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अब है नेक्स्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मार्जिनली लेस इन एयर नीयरलीक्वल टू थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड इन्वर्टर इट इज़ टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर एंड इन ग्लास इट इज़ इक्वल टू टू इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या है कि जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे तेज़ होती है विच इज़ इक्वल टू थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में और एयर में भी लगभग इतनी स्पीड होती है नियरली इक्वल बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम नेग, नेगलेक्ट कर सकते हैं और वो होता है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर लाइट की स्पीड लगभग सेम होती है किसमें एयर में भी और वैक्यूम में भी लेकिन जब ये पानी में वाटर में जाती है तो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है विच इज़ टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और ग्लास में इसकी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाती है तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है इसकी स्पीड चेंज होती है और क्या देखिए अब स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं ट्रेवल फ्रॉम वन, वन मीडियम टू अनदर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है मीडियम का मतलब क्या है मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट इधर अलग मतलब मीडियम का मतलब जो पार्टिकल है इधर जो स्पेस है उसके पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो क्या है डेंसिटी मतलब मान लेते हैं एक साइड यहाँ एक ग्लास है और यहाँ पे एयर है तो एयर में पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर होते हैं ग्लास में पार्टिकल ऐसे बिल्कुल पास पास होते हैं तो जो ग्लास की डेंसिटी वो ज़्यादा है एयर की डेंसिटी कम है तो ये दोनों अलग अलग मीडियम हो गए हैं इनको बोलते हैं मीडियम जहाँ से लाइट ट्रैवल करती है नेक्स्ट है वेवलेंथ इट ऑल्सो चेंज वहन इट गोज़ फ्राम वन मीडियम टू अनदर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेव लेंथ चेंज हो जाती है इसका मतलब क्या है देखिए वेव लेंथ साउंड वाले चैप्टर में आप एट क्लास में पढ़ा था कि वेव लेंथ क्या होती है जैसे मान लेते हैं लाइट ऐसे ऐसे चलती है ट्रैवल करती है तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ ये फिर से एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ़ है नीचे वाला पार्ट तो एक क्रस्ट से उससे अगला जो नेक्स्ट क्रस्ट है उसके बीच की जो ये लेंथ होती है ये वाली इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस ट्रफ और क्रस्ट उनको हम बोलेंगे वेव लेंथ लेंथ के बीच दो क्रस्ट दो कंटिन्यूस क्रस्ट ये और ये इनके बीच में जो लेंथ होगी उसको हम बोलते हैं वेव तो मान लेते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी वेव चेंज हो जाती है जैसे कि पहले लाइट थी वो चल रही थी ऐसे ऐसे ये थी उसकी वेव लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये जब किसी दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट तो हो सकता है वो ऐसे ट्रैवल करेगी मतलब उसकी वेव लेंथ हो गया कम पहले इसकी वेव लेंथ इतनी ज़्यादा थी यहाँ से यहाँ तक और अब हो गया इसकी वेव लेंथ कम यहाँ से यहाँ तक तो उसकी वेव लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है लाइट की जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है नेक्स्ट है द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेव जो लाइट का कलर है वो उसकी वेव लेंथ डिपेंड करता है और एक कलर की अलग अलग वेव होती है जैसे रेड कलर की अलग वेव होगी वोइलेट कलर की अलग वेव होगी तो जो रेड कलर है उसकी वेव सबसे ज़्यादा बड़ी होती है जो रेड कलर है उसकी वेव सबसे ज़्यादा बड़ी होती है उसके अलावा जो वोलेट है उसकी वेव सबसे छोटी होती है तो जो कलर है वो लाइट का वो वेव लेंथ डिपेंड करता है वी कैन सी लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ टू 700 नैनोमीटर जो हम जैसे कि साउंड के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक की साउंड को इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं ऐसे ही लाइट के केस में होता है कि हम सारी लाइट की हर एक वेव को नहीं देख सकते हम सिर्फ़ 400 से 400 से लगभग 700 हंड्रेड नैनोमीटर वेव लेंथ की जिस लाइट की वेव लेंथ ये फोर हंड्रेड नैनोमीटर से दूसरी लाइट मान लेते हैं थोड़ी बड़ी वेव लेंथ की है ये है 700 हंड्रेड नैनोमीटर इस वेव लेंथ की लाइट को हम देख सकते हैं अब नैनोमीटर कितना होता है नैनोमीटर ये है वन नैनोमीटर इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर माइनस नाइन मीटर जब हम वन मीटर को वन बाई वन बाई टेन वन की पावर माइनस नाइन मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इतने से हम जब एक को डिवाइड करते हैं तो जो लेंथ आती है वो होता है वन नैनोमीटर ये होता है वन नैनोमीटर तो इतनी लेंथ की लाइट को हम देख सकते हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेंस द सेम इन ऑल मीडियम जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन लाइट ने की है मान लेते हैं ये एक वेव है एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई तो इसने ये पूरी एक वाइब्रेशन हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह दूसरी वाइब्रेशन ये यहाँ तक तीन चार और मान लेते हैं यहाँ तक उसने पांच वाइब्रेशन की तो एक सेकंड में इसने पाँच बार वाइब्रेट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी फाइव हार्टस ये होती है फ्रीक्वेंसी अब एक दूसरी लाइट हम मान लेते हैं एक ही सेकंड में यहाँ तक पहुँचती है यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ तक दो और यहाँ तक तीन तो ये एक सेकेंड में एक बार दो बार और तीन बार वाइब्रेट करेगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी थ्री हार्ट्स तो ये पॉइंट है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन इन सेम इन ऑल मीडियम तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है नेक्स्ट है येलो इज़ द मोस्ट विजिबल कलर ऑफ ऑल द कलर इट इज़ द फर्स्ट कलर दैट ह्यूमन आई नोटिस इसका मतलब क्या है कि जो येल्लो कलर है हमारी आंखें जैसे बहुत सारे कलर्स होंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे देखते हैं उसमें बहुत सारे कलर हैं तो उसमें जो येल्लो कलर होता है उसको हमारी आंखें सबसे पहले नोटिस करती हैं येल्लो कलर सबसे ज़्यादा विजिबल होता है हमारी आंखों के लिए वाइट लाइट कंटेन सेवन कलर्स जो वाइट लाइट होती है उसमें सेवन कलर्स होते हैं वे होते हैं कौन से कौन से वोइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येल्लो ऑरेंज और रेड ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कौन से कलर होते हैं कैसे हम उनको देख सकते हैं नेक्स्ट है वोइलेट कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ अराउंड थ्री एट्टी नाइनोमीटर एंड रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ सेवन हंड्रेड नाइनोमीटर जो ये सेवन कलर होते हैं इनमें वोलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही थैंक यू